भाई साहब हम अपने खेत में आ चुके हैं और अभी इस तरीके से इतना मस्त हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। ड्राइवर को एक बाँव करना है इस खेत को, तो ट्रैक्टर को लिया, पर नालियों को बिगाड़ रहा है। जो ट्रैक्टर का निशान है ये वाला गट्टा जोतेगा और ये वाला गट्टा जोतेगा, तो फटाफट से उसको कर लेने देते हैं। बेड़े बेड़े जो तो देखो लंबे लंबे, तो मतलब कि ऐसे ऐसे तो हो गया एक बार का, अब इसको ऐसे ऐसे करना है। भाई साहब उधर पापा रोटा बैठर चला रहे हैं, मतलब किराए काम पे, और इधर अपना खेत जुता रहा है इस ट्रैक्टर से, बेसी 72-50 से। बाकी नज़दीक और दिखाऊंगा मैं, अभी तो पूरा ही खेत जोतना है। मैं चला कर यहाँ तक लाया था घर से, फिर जोतने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रैक्टर भाई बस दूर से देखने में अच्छा लगता है, इसके ऊपर बैठ जाओ ना तो आपको जहाज वाली फीलिंग आएगी। क्यों रोहित भाई क्या कहना है? डाल पे चढ़ा दे रहा है, स्टाइल कटा रहा है। उसे पानी आएगा तो भाई, ये लड़का सीख रहा है। और यहाँ पे देखो छूट गया थोड़ा सा, जहाँ पे उंगली पॉइंट आउट हो रहा है, बाकी मस्त है। शायद कितने नंबर में चलता है रवि? एक नंबर में, एक नंबर के हाई में ना। हेलो, ये तो हाई का स्पीड दिख रहा है, पता लगा वो खेले में। हट जाओ भाई, ओ भाई इस वाइस शर्ट का दिए वो लोग डहाड़ तोड़ दो, किसी का हम क्यों पानी डड़वा काटे। आराम से चलो आओ, तो भाई इसमें तो इस घाटा में तो हो गया। अब इस घाटा में सोचूंगा जो ये वाला है इसमें थोड़ा सा मैं हाथ साफ करूं, ये वाला जिसमें हम लोग खड़े हैं। बाकी आने देते हैं ट्रैक्टर वाले को, भैया को फटाफट खड़े क्यों मारे, उसमें आराम रहता है ना। हाँ भाई जा फिर उठा, फिर जाओ उठा, पैस ली करी ये वाला गाटा तो कंप्लीट हो गया पूरा वहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हाथ लगाया है, भाई वहाँ पे देखो अपनी सोनालिका चल रही, अगर दिख रहा होगा तो आगे से बहुत उठ कर चलिए, पीछे बैठ कर चलिए, मतलब धस कर। बाकी ये तो चल ही रहा है, ओ मेरा तोड़ने वाले पैसा दो पहले।
तो भाई मैं तो गया था चलाने पर थोड़ी संभाल नहीं रही थी इसलिए दे दिया। सीधी बात तो ये थी, थोड़ा सा ऊंचा खाला डब डूब लिखो और एक ही कांटा लगभग ख़त्म होने वाला है। अब चल रहे हैं घर, ये भी ख़त्म हो गया है तो फटाफट से चलते हैं। ये डाढ़ भी मुझसे ही कट गया। अब मैं एक नंबर के हाई पे चला रहा था, तो भाई साहब 2-3 दिन बाद ये वाला गड्ढा भरा गया पानी और इसमें लग रहा है पंडलिंग यानी लेव लग रहा है। रोटावेटर से पापा इसको जोत रहे हैं, जो कि इसे लंबे लंबे मतलब एक ही बाव करेंगे। एक ही बाव होता है ये रोटावेटर से जनरली, जब कल्टीवेटर से खुल गया है तो भाई साहब अब भाई कितना मस्त नज़ारा लग रहा है। तुम्हारी दादी हैं जो डिस्कस कर रही हैं कुछ कितनी मजूरनी लगनी चाहिए। ये क्या एकदम सीधी लाइन है और बत्तखें कछुए बिन रही हैं और पापा इधर लेव लगा रहे हैं। मस्त गाड़ी दिख रही है।
भाई साहब बस आखिरी हराई। लो भाई साहब, धान रोपने के लिए अपना खेत एकदम तैयार हो गया। अब इसमें मतलब जो धान रोपती मजदूर नहीं आएंगे, धान रोपेंगे, बाकी इधर ये ट्रैक्टर यहाँ से निकलेगा तो इस मेड़ को भी बांधना पड़ेगा।